सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा टियागो XZ प्लस मॉडल का। सो ये 2020 का मॉडल है। सो आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं और ये अभी तक 17,500 किलोमीटर कवर कर चुकी है। साथ ही बाद में इसके ओनर से भी जानेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में, और साथ ही कंपेयर भी करेंगे कि जो अभी जो 2021 में जो मॉडल आ रहा है इसका, उसमें क्या क्या चेंजेस कर दिए गए हैं अभी इस मॉडल में। सो गाइज, अभी बात कर लेते हैं इसके थोड़े बहुत डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार का, वो है 170 mm का, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। साथ ही अगर हम बात करें कार के कर्व वेट की, तो इसका जो कर्व वेट है वो है 1,382 kg। और टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें, तो ये 4.9 meter का इसका जो है टर्निंग रेडियस है। सिटी में आपको इसको कहीं पर भी टर्न करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी बात कर लेते हैं कार के इंजन के बारे में कि आपको कितना पावर का इसमें इंजन मिलता है और थोड़े बहुत उसी के स्पेसिफिकेशंस। तो गाइज, आपको इसमें जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवट्रॉन इंजन, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है। और इसकी जो मैक्स पावर ये प्रोड्यूस करता है वो करता है 86 PS की। और मैक्स टॉर्क की अगर हम बात करें, तो 113 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार में आपको देखने के लिए मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इसमें आपको हाइड्रोलिक नहीं मिलता है, क्योंकि एक हैचबैक है और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होने की वजह से ये कार सिटी और हाईवे पे दोनों पर ही बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। अंडर बोनट इंसुलेशन भी आपको इस कार में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि कार के NVH लेवल्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। सो गाइज, अभी बात कर लेते हैं कार के एक्सटीरियर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कार के हेडलैम्प से। तो आपको इसमें सिंगल बल्ब के साथ नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिलती है, जिसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिल जाता है। साथ ही नीचे आपको फॉग लैम्प देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें साइड में आपको क्रोम फिनिश दी गई है। और कुछ इस तरीके के आपको रेडिएटर ग्रिल का पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है, जिसे टाटा ट्रे एरो के नाम से इसको डिज़ाइन को नाम दिया गया है। और अगर हम बात करें, तो आपको इसमें ऊपर और नीचे की साइड थोड़ा सा क्रोम, और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। सो गाइज, ये जो लुक है कार को सामने से बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है, और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लगती है कार। कार के बम्पर भी आपको डुअल टोन कलर में देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइज, टाटा टियागो 4-star सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है, और डुअल टोन बॉडी कलर्स के साथ आती है। साथ ही पियानो ब्लैक फिनिश में इसके आपको ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनमें इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। साथ ही अगर हम बात करें, तो कार की जो रूफ़ है वो पूरी ब्लैक है, क्योंकि ये डुअल टोन कलर है। और जो फ्रंट विंडशील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो आपको विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं रहती है कार में। कार के फ्रंट वॉशर्स जो दिए गए हैं वो बोनट के नीचे प्लेसमेंट है उनकी, तो वो विजिबल नहीं रहते हैं। और कार की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें, ओवरऑल बॉडी की बात करें, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और कार का जो पूरा डिज़ाइन है वो काफ़ी एरोडायनेमिक है, जो कि कार को काफ़ी स्टेबल बनाता है ऑन हाई स्पीड्स। अगर बात करें फ्यूल टैंक की, तो आपको इसमें 35 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइज, पूरी कार में छोटी छोटी जगहों पर ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि ये आपको रियर डोर पर टेपिंग देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे की साइड आपको जो स्पॉयलर्स छोटे छोटे देखने के लिए मिल जाते हैं ब्लैक कलर के, तो ये कार को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। साथ ही यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है, और ये आपकी रियर विंड स्क्रीन। यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाता है, और डिफॉगर है जो वो वाइपर की एरिया में ही प्लेसमेंट है, जो कि काफ़ी यूनिक लगती है। और जो इस वाइपर का वॉशर है वो भी इस वाइपर के अंदर ही लगा हुआ है। तो रियर साइड में अगर आप देखेंगे, तो इसका जो वॉशर है उसकी भी प्लेसमेंट वाइपर के साथ ही है। कार की जो टेल लैंप है वो आपकी कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ज्वेल फिनिश में आती है, और रात के वक्त ये टेल लैंप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सो गाइस, इस कार का जो रियर बम्पर है उस पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ये छोटे छोटे स्प्लैश कट्स, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस किए गए हैं, और ये आपकी कार की बॉडी को जो है गंदा होने से बचाते हैं। सो गाइस, बूट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको की होल दिया गया है, और साथ ही उसके नीचे आप अगर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो अपनी बूट को आप यहाँ से की होल से ऑपरेट कर सकते हैं की ब्लेड की हेल्प से। और उसके नीचे अगर आप बम्पर पर देखते हैं, तो आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि 2021 में जो टियागो आ रही है उसमें से रिवर्स पार्किंग सेंसर हटा दिए गए हैं। सो गाइज, अभी बात कर लेते हैं कार के व्हील के बारे में। तो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं 15 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, और जो इसमें टायर यूज़ किया गया है वो किया गया है 175/60R15 inches के। और ये जो टायर है ये अच्छी खासी आपको ग्रिप प्रोवाइड करा देता है ऑन हाई स्पीड। साथ ही कार की जो रिम है उससे आपके पत्थर वगैरह जो हैं वो नहीं टच होते हैं, कार थोड़ी हाइट पे रहती है, तो काफ़ी अच्छा इसमें टायर सेटअप दिया गया है कम्प्लीटली। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इस कार के जो स्पेयर व्हील है उसके बारे में। तो आपको जो इस कार में स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है वो 14 inches का स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलता है, और जो टायर का साइज़ है वो है 175/65R14। तो टायर की विड्थ बराबर है, टायर की हाइट 65 है, और जो इसकी रिम की साइज़ है वो 14 inches की है। तो ओवरऑल ये जो टायर है वो बराबर ही है,
बट ये 1 इंच जो है इसकी रिम वो कम है। सो गाइस अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको जो इसमें सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है मैक पर्शियन स्ट्रट विद कॉयल स्प्रिंग के साथ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें जो रियर में सस्पेंशन दिया गया है वो ट्विस बीम दिया गया है जो कि सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। और कार के जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो हाइड्रोलिक गैस फिल्ड हैं, तो कार आपको जो है ओवरऑल जो राइड क्वालिटी देती है वो काफ़ी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी देती है। सो गाइस कुछ यही सब आपको देखने के लिए मिल जाता है टाटा टियागो के एक्सटीरियर में। और अभी हम बात करते हैं कार के इंटीरियर और कार की की के बारे में कि आपको की में क्या फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही कार के इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सो अभी एक्सटीरियर में जो नई टियागो में चेंज किया गया है वो सिर्फ पार्किंग सेंसर्स को लेकर किया गया है। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं टाटा टियागो की के बारे में। तो आपको कुछ इस तरीके की टाटा टियागो की देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर आपको की ब्लेड भी दिया गया है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको 3 बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, लॉक और अनलॉक, और एक आपको बटन देखने के लिए मिल जाता है फॉलो मी हेडलैम्प्स का, जहाँ से आप फॉलो मी हेडलैम्प्स को ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आप फॉलो मी हेडलैम्प ऑन करते हैं तो रियर टेल लाइट्स, साथ ही लाइसेंस प्लेट की लाइट और आपकी जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं वो भी ऑन हो जाती हैं, और जो आपको इंटीरियर में डोम लाइट दी गई है वो भी ऑन हो जाती है। तो ऑलमोस्ट सारी लाइट्स जो हैं कार की जलने लग जाती हैं जैसे आप फॉलो मी का फीचर यूज़ करते हैं। सो गाइज ये जो कार है ये आती है ऑटो फोल्डिंग मिरर्स के साथ। तो जैसे ही आप कार को अनलॉक करते हैं इसके मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही आप कार को वापस से लॉक करते हैं तो जो मिरर्स हैं इसके वो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं। सो गाइज अभी बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं ड्राइवर साइड डोर से। तो ड्राइवर साइड डोर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है इस कार का, और ये डुअल टोन कलर के साथ ही आती है इंटीरियर में भी, और यहाँ पर भी आपको पूरा डुअल टोन कलर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस बात करते हैं इसके क्रोम हैंडल्स की। तो इसमें जो क्रोम हैंडल्स लगे गए हैं क्रोम फिनिश के साथ आते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और डोर हैंडल है जो इसका वो पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। पावर विंडो आपको चारों मिल जाती है। जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है 1 टच डाउन के फीचर के साथ आती है, 1 टच अप नहीं आता उसमें, और बाकी की जो तीनों पावर विंडोज़ हैं वो नॉर्मल हैं। साथ ही इस पावर विंडोज़ के स्विचेस के पीछे आपको मिल जाता है पावर विंडोज़ स्विच लॉक, तो यहाँ से आप पावर विंडोज़ के जो स्विचेस हैं उनको लॉक कर सकते हैं। उसी के साथ ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाती है आउटसाइड रियर व्यू एडजस्टेबल नोब, तो यहाँ से आप रियर जो आउटसाइड मिरर्स हैं उनको बंद भी कर सकते हैं और उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, तो यहाँ पर आपकी 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी, साथ में थोड़े बहुत आप डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ आपको डोर पर दिख जाता है स्पीकर। तो इस कार में टोटल 8 स्पीकर साउंड सेटअप दिया गया है, तो इसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का सेटअप आता है। तो डोर पर आपको चारों ही डोर पर 1 स्पीकर और 1 ट्विटर दिया गया है, बट जो फ्रंट ट्विटर्स हैं वो आपको ए पिलर पर दिए गए हैं, और जो रियर ट्विटर्स हैं वो आपको डोर पर ही दिया गया है उनकी प्लेसमेंट, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो रियर ट्विटर्स हैं वो आपको डोर पर ही प्लेसमेंट हैं, बट जो फ्रंट वाले जो आपके ट्विटर्स हैं उनकी प्लेसमेंट है जो वो ए पिलर पर है। साथ ही जो इसका रियर डोर है उसमें भी आपको यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी, और बाकी थोड़ा बहुत सामान भी आप रख सकते हैं। इस टाटा टियागो में रियर डोर पे आपके दोनों ही डोर्स पे चाइल्ड लॉक देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ से आप चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं ड्राइवर साइड डोर पर, और यहाँ पर हम देखते हैं तो आपको जो ड्राइवर साइड सीट दी जाती है वो 3-way एडजस्टेबल सीट दी जाती है। तो यहाँ से आप जो सीट की है हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप बैक रेस्ट है जो उसका वो एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही कार की जो सीट है उसको फॉरवर्ड और रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी कार की सीट एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो फ्रंट हेडरेस्ट आते हैं वो आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, तो उन्हें आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके कंफर्टेबली कार को ड्राइव कर सकते हैं। सो गाइस इस कार में आपको कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से पहले हम कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको इस कार में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस कार में आपको फ्रंट दोनों ही ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड जो रहता है एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं। इस कार में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स सिस्टम मिल जाता है, और साथ ही कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। साथ ही बात करें स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक सिस्टम मिल जाता है, साथ ही इंजन इमोबिलाइजर भी मिल जाता है, और ISO FX यानी कि चाइल्ड सीट्स के लिए जो आपको हुक्स दिए जाते हैं वो भी आपको रियर सीट्स पर प्रोवाइड कराए गए हैं। सो गाइस फ्रंट विंडशील्ड पर आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, और उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो आपको सन वाइजर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, बट इस पर किसी भी टाइप का आपको कोई मिरर देखने के लिए नहीं मिलता है ड्राइवर साइड पे। ऊपर आपको माइक्रोफोन दिया रहता है जो आपकी फ़ोन कॉल्स रहती हैं उसके लिए, और उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो सन वाइजर दिया गया है आप इसको यहाँ से निकाल के साइड में भी कर सकते हैं, तो अगर धूप साइड से हो तो आप इसको साइड में करके कार ड्राइव कर सकते हैं। इस कार में जो IRVM है वो आपको मैनुअल IRVM मिलता है, ऑटोमेटिक डिमिंग फीचर के साथ इसमें IRVM नहीं मिलता, आपको मैनुअली इसको डिम करना रहता है। और इसी के साथ लेफ्ट साइड में आपको दिया गया है एक और सन वाइजर, और यहाँ पर आपको वैनिटरी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस कार में आपको जो है 3 grab handles देखने के लिए मिल जाते हैं जो को ड्राइवर रहता है उसके लिए, और जो पीछे रियर सीट्स रहते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए भी।
और साथ ही में आपको यहाँ रूफ़ में जो लाइट दी गई है वो एकदम सेंटर में दी गई है, तो ये LED लाइट आपको दी गई है जिसको हम डोम लाइट कहते हैं, जो इंटीरियर लाइटिंग का काम करती है आपकी, जो कि काफ़ी ब्राइट है और रात में अच्छी खासी जो है विजिबिलिटी आपको देती है। सो इसमें यहाँ पर आपको बटन दिया गया, तो यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअली भी। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्राइट लाइट है, रात में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहती है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है और ये कार आती है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग व्हील के साथ। सो इसमें जो आपको ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो स्टीयरिंग पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से जो है बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ पर आपको सारी टच कीज़ दी गई हैं, वहाँ पर कोई फिजिकल की नहीं है, बट आपको स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं, तो आप इससे यहाँ से ईजिली कभी भी वॉल्यूम अप डाउन या फिर म्यूट कर सकते हैं। सो गाइस स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको देखने को मिल जाते हैं हेडलैम्प के कंट्रोल्स और वाइपर्स के कंट्रोल्स, तो यहाँ से आप अपनी हेडलैम्प को ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही आपको जो हेडलैम्प एडजस्टर रहता है, जो हेडलैम्प लेवलर रहता है, उसका भी आपको यहीं दिया गया है, जो मार्किंग रहता है 1, 2, 3, 4। और कार्स में आपको राइट साइड में देखने को मिलता है, बट आपको इसमें जो लेवर है उसी में इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, तो यहाँ से आप हेडलैम्प का जो लेवल है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 7-speed के साथ फ्रंट वाइपर्स मिल जाते हैं और रियर वाइपर को भी आप यहीं से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। AC वेंट्स की बात करें तो AC वेंट्स में आपको इसमें क्रोम फिनिश मिल जाती है और पूरा जो AC वेंट है आपके जो राइट और लेफ्ट साइड के वो आपको बॉडी कलर के मिलते हैं, तो इस कार का कलर रेड है तो दोनों साइड ही आपको रेड कलर के AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। और बात करें इसके एयर फ्लो की, तो इसका एयर फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है, कार के कैबिन को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। AC वेंट्स के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है छोटा सा कॉइन होल्डर, यहाँ पर आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। सो गाइज़ आपको इस कार में जो है डेड पेडल दिया गया है, तो आप अपनी लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह करना चाहते हैं कार से तो आराम से आप अपने पैर को रेस्ट देकर कार को ड्राइव कर सकते हैं। और पेडल्स के साइड में ही आपको राइट साइड में मिल जाता है कार का हुड ओपन करने के लिए लिवर। सो गाइज़ ड्राइवर साइड डोर पर ही आपको मिल जाता है बूट ओपनिंग के लिए लिवर, और साथ ही फ्यूल लेट जो ओपन करने का रहता है उसका लिवर भी आपको यहीं दिया गया है, तो यहाँ से आप दोनों चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड पर आपको एक छोटा सा सेंसर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको ये सेंसर दिया गया है। इस कार का जो स्टीयरिंग व्हील है आप उसको टिल्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं, बट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं है, टिल्ट करके आप ऊपर नीचे करके इसका स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। सो गाइस जो 2021 टाटा टियागो है उसमें जो चेंज किया गया वो डोर हैंडल में चेंज किया गया, तो अभी जो नई टियागो आ रही है 2021 की उसमें आपको इस तरीके के डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं, उसमें आपको नॉर्मली जैसे पीछे डोर हैंडल्स दिए गए हैं इसी तरीके की शेप में आपको जो है डोर हैंडल्स मिलते हैं। सो ये एक अच्छा जो था डोर हैंडल पहले टियागो में आता था, इससे काफ़ी ज़्यादा SUV वाली फील आती थी कार के अंदर, तो ये वाले डोर हैंडल्स अब चेंज कर दिए गए हैं, चेंज और किया गया टाटा टियागो में। जो पहले टाटा टियागो आती थी 2020 मॉडल उसमें इसमें लाइट जलती थी आपका जो पावर विंडो का स्विच है, बट 2021 वाली जो टाटा टियागो आ रही है उसमें से लाइट हटा दी गई है, तो इस मॉडल में जो है इस स्विच पर लाइट है और रात में वो जलती है। और अगर हम बात करें एक चेंज और किया गया है नई टियागो में, तो ये जो पॉपअप स्टाइल में जो आपका डोर लॉक और अनलॉक होता था अभी ये वाली नोब यहाँ से हटा दी गई है, और जो डोर अनलॉक और लॉकिंग का सिस्टम है वो यहीं पर दे दिया गया है जो आपका डोर हैंडल है। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो टाटा टियागो में कर दिए गए हैं 2021 वाले मॉडल में। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं टाटा टियागो के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि पूरा डिजिटल है और कम्प्लीटली डिजिटल है ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, एवरीथिंग सब कुछ इसमें कम्प्लीटली डिजिटल रखा गया है इसे। तो यहाँ पर आपका RPM मीटर दिया, जिसे हम टैकोमीटर भी कहते हैं, जो कि इंजन की स्पीड बताता है, और इसका फुल्ली जो स्पीडोमीटर है वो भी आपको डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको इंजन टेम्परेचर के लिए दिया गया गेज, और उसी के साइड में आप देखेंगे तो आपको राइट साइड में जो है फ्यूल लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है। सो गाइस बीच में जो आपको डिजिटल डिस्प्ले देख रहा है इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं, इसमें आपका ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी है, जैसे कि आपकी कार में कुछ भी होता है तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शो करने लगता है। साथ ही में आपको इसमें मिल जाते हैं 2 trip meter और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी के कब आपकी कार कितना फ्यूल इफिशियंट है, कितना फ्यूल इकोनॉमी प्रेजेंट कर रही है आपको, साथ ही आपकी ट्रिप A ट्रिप B में कितना फ्यूल इकोनॉमी दी आपकी कार ने। आउटसाइड टेम्परेचर मीटर भी आपको इसमें दिया गया है, और अगर हम बात करें तो आपको इंजन DTC लाइट्स और पार्किंग ब्रेक की लाइट भी इसी में दी गई है। और यहाँ पर आपको छोटा सा एक ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, उसमें जैसे भी आपकी कार का कभी ब्रेक फ्लूइड कम होता है या कुछ चीज़ रहती है उसमें, तो यहाँ पर आपको साफ साफ वार्निंग लिखी हुई दिखाता है वो। इसका जो क्लस्टर है वो काफ़ी अच्छा है सेगमेंट की कार्स में, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिख जाती है अपनी कार के बारे में। साथ ही में आपको राइट साइड पर नोब दी गई है, जिनसे आप अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, तो राइट साइड रोटेट करके आप इसको राइट साइड का मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको लेफ्ट साइड रोटेट करके आप लेफ्ट साइड के मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको नीचे की साइड प्रेस कर देते हैं तो जो आपके मिरर्स हैं वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से अपने मिरर्स को फोल्ड भी कर सकते हैं, देन वापस नीचे प्रेस करने पे अनफोल्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको क्रोम फिनिश दी गई है सेंटर जो आपके AC के वेंट्स हैं उनमें भी,
और यहाँ पर आपको दिया गया 1000 लैम्प का स्विच। तभी बात कर लेते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम लगा है हर्मन की साइड से है और ये 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम है और इसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बात करें USB से आप इसमें सॉन्ग्स चला सकते हैं और मोबाइल के थ्रू सॉन्ग्स चला सकते हैं, रेडियो से आप सॉन्ग्स चला सकते हैं, बाकी अगर आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं नॉर्मली आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही आप पार्क असिस्ट पे क्लिक करके जो है इसका कैमरा कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हैं। अगर आप कार सीधे भी ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पे भी ड्राइव कर रहे हैं, तो भी आप ये कैमरा ऑन रखकर अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं। रिवर्स पार्किंग इंगेज करते ही आपका जो रियर व्यू कैमरा है, जो रियर पार्किंग कैमरा है, वो ऑन हो जाता है और इसका जो रिवर्स पार्किंग आपका कैमरा आता है वो एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है, तो आपको कम्प्लीटली दिखाता है कि आपकी कार किधर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस कार के अंदर। बात करते हैं सेटिंग्स की, तो आपको इसमें सेटिंग व्हीकल सेटअप मिल जाता है, पार्क असिस्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं वॉल्यूम वगैरह, और ड्राइवर डिले टाइम अगर आप रखना चाहते हैं तो। साथ ही हम बात करें अगर तो ऑडियो सेटअप में आपको यहाँ पर इक्वलाइज़र वगैरह सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। वॉल्यूम में आप इसकी वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की पर्टिकुलर कितनी वॉल्यूम चाहिए, और यहाँ पर आपका जो जनरल है डेट वगैरह टाइम वगैरह आप वो चीज़ें सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थीम्स का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो आपको कुछ थीम्स दी जाती हैं इसके अंदर और कुछ ज़्यादा इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी बात कर लेते हैं ये स्विचेस की, तो ये फॉग लैम्प का स्विच है जो आपकी फ्रंट फॉग लैम्प्स को ऑन ऑफ करता है। ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का स्विच है, तो यहाँ से ही आप जो है चारों डोर्स को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और उसी के नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स। तो गाइस इसमें आपको जो मिलता है वो फुल्ली ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर डिस्प्ले है, बट यहाँ पर कोई भी किसी टाइप की डिस्प्ले नहीं है। जो भी आपका AC के कंट्रोल शो करता है वो आपका पूरा डिस्प्ले पे ही शो करता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे ही आप अपनी कार का जो है AC ऑन करते हैं, तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो सब यहीं पर शो करेगा, चाहे वो ब्लोअर स्पीड हो चाहे कुछ भी हो। तो आप AC पर क्लिक करके आप कुछ इस तरीके से इसका जो AC का पैनल है उसको खोल सकते हैं, और यहाँ से आपको ऑटो AC ऑन रखना है ऑफ़ रखना है वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर और एयर डायरेक्शन किधर रखनी है आपको, और AC ऑन ऑफ भी आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो AC का जितना भी कंट्रोल्स है वो सब आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम पर ही देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं दिया जाता। उसी के नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो रियर डेमिस्टर रहता है उसके लिए दे रहता है, और ये फ्रंट विंडशील्ड के लिए आपको जो दिया जाता है डिफॉगर, ये आपका एयर रिसर्कुलेशन मोड और ये एयर डायरेक्शन मोड। और इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट दिया जाता है जहाँ पर आप अपने फ़ोन को जो है चार्ज कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो से एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑक्स का इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो ऑक्स का यहाँ पर जो है नोब है, बट यहाँ पर ये यूजेबल नहीं है, ये बंद है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है देखने के लिए। इसी के नीचे आपको थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है जिस पर आप थोड़ा बहुत अपना सामान रख सकते हैं, और काफ़ी डीप है ये। और अभी हम बात कर लेते हैं गियरबॉक्स की, तो इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स आता है प्लस 1 रिवर्स। तो इसमें आपको जो गियरबॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट मिल जाता है, बहुत ही लाइट शिफ्टिंग है। इनफैक्ट जो क्लच पैडल भी आपको दिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और उसी के पीछे यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको कॉइन होल्डर, साथ ही पीछे एक बॉटल होल्डर दिया गया आपको। अभी बात कर लेते हैं ग्लव बॉक्स के बारे में, तो ग्लव बॉक्स इस कार का कुछ इस तरीके से खुलता है। तो इसका जो खुलने का एकदम स्लो मोशन वाला स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। और यहाँ पर आपको जो मिलता है वो कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। यहाँ पर आपको AC वेंट दिया गया है इसको कूल ऑफ रखने के लिए और ऑन रखने के लिए। यहाँ पर आपको पैन होल्डर और यहाँ पर आप देखेंगे तो टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है, या फिर कार्ड होल्डर हम इसे बोल सकते हैं। ओपनिंग का जो आपको लेवर दिया गया वो भी बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट है जो इसका बटन है। बाकी ग्लव बॉक्स और बॉडी जो इंटीरियर के इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है इस सेगमेंट में, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील देता है। और पूरे में हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, कहीं पर भी सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, अगर इंटीरियर क्वालिटी की बात करें प्लास्टिक क्वालिटी की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। छोटी मोटी जो है कमियां हैं वो इग्नोर की जा सकती हैं क्योंकि इसके पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं अगर हम कंपेयर करें तो। अभी बात कर लेते हैं रियर पैसेंजर सीट्स की, तो रियर पैसेंजर सीट्स को भी आपको जो कुशनिंग दी गई है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कम्फर्टेबल है। साथ ही आपको एक अच्छा फीचर इस कार में देखने के लिए वो मिलता है, ये है वो कि आपको जो सीट बेल्ट हैं रियर सीट बेल्ट के लिए एक होल्डर दिया गया है, तो आप जो रियर सीट बेल्ट अभी यूज़ ना हो रही हो तो आप उसको डायरेक्टली जो है यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं, तो आपकी जो सीट बेल्ट हैं वो आपकी एक ही जगह पर होल्ड रहेंगी, आवाज़ नहीं करेंगी बॉडी से टकरा कर। आपको यहाँ पर जो है वो तीनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग सेपरेट सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो सीट्स आती हैं टाटा टियागो में ये फुल्ली फ्लैट फोल्ड आती हैं, तो आप इसको पूरा कम्प्लीटली फोल्ड कर सकते हैं। तो एक लेवर आपको यहाँ दिया गया और एक लेवर वहाँ, तो आप इसको कुछ इस तरीके से जो है पूरा फोल्ड कर सकते हैं। और जो आपकी बेंच है आप उसको भी जो है रिमूव करके कुछ इस तरीके से पूरा आप इसको फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी पूरी सीट फोल्ड हो जाती है और बाकी का आप जो भी जो एरिया है वो आपका कार्गो एरिया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, जो इसका बूट स्पेस है वो अराउंड 242 लीटर्स का है।
और यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे भी देखने के लिए मिल जाती है, तो आपका छोटा मोटा जो बैग्स वगैरह होते हैं आप वो भी रख सकते हैं। बट आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जो इसके बूट एरिया है उसको, कुछ इस तरीके से आप सीट फोल्ड करके जो इसका कार्गो एरिया है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, काफ़ी सारा लगेज है उसको कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दोनों ही साइड जो दिए गए हैं कुछ इस तरीके के, तो यहाँ पर आपको टूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो भी इसके बाकी के टूल्स हैं वो ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ग्रोसरी हुक मिल जाता है, जिस पर आप 3 kg तक का वेट लगा सकते हैं। सो गाइस, टाटा टियागो में आपको जो है बूट लैंप नहीं देखने के लिए मिलती है। वैसे इसी तरीके से आपको जो फ्रंट डैशबोर्ड है उसमें भी यहाँ पर एक ग्रोसरी हुक देखने के लिए मिल जाता है, जिस पर आप 2 kg तक का वेट हैंग कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से बाहर आता है और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं यूज़ ना पड़ने पर। अभी बात कर लेते हैं इस कार के ओनर से कि उनको इनमें क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं और क्या क्या चीज़ें नेगेटिव। ये अराउंड इसको 17,500 किलोमीटर चला चुके हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं। सो आपको इसमें क्या क्या पॉजिटिव लगते हैं टाटा टियागो में? इसका सबसे पहले तो जो स्टीयरिंग फीडबैक है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऊपर जो स्मूथनेस जो देती है ना बाकी गाड़ियों, मेरे को, मैंने स्विफ्ट चला रखी है, मैंने वैगनार इस सेगमेंट की, मैंने i10 वगैरह सारी चला रखी है, उससे तो काफ़ी बेटर है। ऊपर से इसका हार्मन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम वो बहुत ज़्यादा ऑसम है, आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं आता कि आप ना एक मिड सेगमेंट की हैचबैक में बैठे हो, आपको ऐसा लगता है कि प्रीमियम हैचबैक है। और बाकी का इसका बोला जाता है इसका जो फ्लोरेसेंट रेड कलर जो उसने निकाला है 2020 में, इसका पहले वाली रेड से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इसका ये, और इसका ब्लू कलर आ जाता है, वो दोनों ही औसम है, मेरे फेवरेट है ये अलग, इसलिए मैंने यही परचेज किया। इन्होंने काफ़ी सारे पॉजिटिव थे वो टाटा टियागो के बता दिए हैं, और अभी हम बात कर लेते हैं कि इनको क्या नेगेटिव्स लगते हैं टाटा टियागो में जो कि इम्प्रूव होने चाहिए। तो अभी आप बताइए कि इसमें आपको क्या क्या नेगेटिव्स लगते हैं इस कार में? इसमें जो नाइट में इसको चलाते हैं तो उसका ना थ्रो काफ़ी कम लगता है, मतलब हेडलैम्प्स काफ़ी वीक हैं। हाँ, प्रोजेक्टर्स देने चाहिए थे इनको टॉप मॉडल में, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो उसमें प्रोजेक्टर मिलने चाहिए थे। पूरी गाड़ी में आपको ना DRS मिलते ना प्रोजेक्टर मिलते, तो कहीं ना कहीं फील आती है कि कहीं ना कहीं होने चाहिए थे, हम अगर इतना पैसा डाल रहे हैं 7,500 से ऊपर का आता है ये टॉप मॉडल, तो एटलीस्ट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मिलने चाहिए। बाकी इसमें है ना इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है जो कि सिटी में मिलती है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा कम है। अगर लोएस्ट देखा जाए तो मैंने 8 kmpl भी निकाला है लोएस्ट ज़्यादा ट्रैफिक में, और हाईएस्ट मैंने हार्डली 12 to 13, इससे ऊपर नहीं आता सिटी में। हाईवे पे काफ़ी अच्छा माइलेज दे देती है, हाईवे पे मैंने अभी तक की लॉन्ग ट्रिप करी है अपनी 700 किलोमीटर की, तो उसमें इसने एवरेज ऑन एन एवरेज 4 लोग बैठे हुए थे तो 15-16 का एवरेज दे दिया था, तो वो काफ़ी होता है, वो भी AC 24 मतलब विदेशी दिया, हाँ विदेशी दिया था, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी का इसमें जो 60-40 स्प्लिट सीट्स देनी चाहिए थी, अभी इसमें क्या है पूरा स्प्लिट होती है, हाँ तो पीछे आप पैसेंजर्स नहीं बैठा सकते, फिर पूरा फ्लैट करो तो फुल। तो अगर ये होता तो ये था कि अगर हम 3 पैसेंजर हैं और हमारे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा है तो हम उसको स्प्लिट करके अपना आराम से टूर पे अपना जर्नी पे जा सकते थे, बाकी सब ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है बाकी। सो गाइस, इनकी साइड से ये पॉजिटिव और नेगेटिव्स थे, अभी मैं आपको कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बता देता हूँ। तो जितने भी पॉजिटिव आपको भाई ने बताया वो सारे पॉजिटिव एकदम एग्जैक्ट सही बताए, और स्पेशली जो मेरे को इस कार को चला के फील हुए वो पॉजिटिव्स हैं कि इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप अगर इसको ऑफ रोड भी चला रहे हैं कार को तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, एकदम झूलती हुई नहीं चलती है कार। इनफैक्ट हाईवे स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है एरोडायनेमिक शेप की वजह से और साथ ही स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करा देती है कार। और गाइज अगर बात करूँ पॉजिटिव की तो इसका एक पॉजिटिव ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, आप सिटी में अगर आप डेली ड्राइवर एज अ रखना चाहते हैं कार, डेली ड्राइव के लिए यूज़ करना चाहते हैं ऑफिस या फिर घर के कामों के लिए, तो ये बेस्ट कार है आप जिसको रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं लेती है कार, आप इजीली कहीं पर भी पार्क कर सकते हैं। सर्विस इंटरवल भी है जो इसका वो काफ़ी ज़्यादा है, 15,000 किलोमीटर या 1 ईयर पर इसकी जो है सर्विस होती है। टाटा इसमें इंजन ऑयल भी बहुत अच्छा यूज़ करती है, 0W20 ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन ऑयल होता है। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं कार में मेरे को क्या नेगेटिव लगे पर्सनली, तो कार मैंने भी थोड़ी ड्राइव करके देखी तो मुझे इसके जो नेगेटिव लगे, तो जो पहला नेगेटिव है वो ये है कि इसमें BS6 जब से इंजन ऑप्शन आया तो उसमें से डीजल इंजन को हटा दिया गया, अभी सिर्फ ये पेट्रोल इंजन पर आती है। और दूसरा, अगर इसमें अगर आप पेट्रोल इंजन दे रहे थे तो CNG ऑप्शन दे सकते थे, और इन फ्यूचर टाटा उस पर काम कर रही है, जल्दी ही जो है टाटा टियागो CNG में भी लॉन्च होगी, तो उससे जो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है जो डेली यूज़ करते हैं कार को, सिटी में जिनकी कार ज़्यादा यूज़ होती है, डेली जिनकी रनिंग है 70-80 किलोमीटर, तो उसमें आपको CNG काफ़ी ज़्यादा आपके जो है कॉस्ट सेविंग कर देती है। एक नेगेटिव मेरे को ये लगता है कि टिगोर जो कार आती है टाटा की वो भी अराउंड इसी के आसपास जो है उसकी रेंज है, बट उसमें आपको जो है बूट लेट जो ओपनिंग है वो आपको जो है फॉलो में हेडलैम्प को 4 सेकंड प्रेस करके जो है आपका बूट अनलॉक हो जाता है, बूट रिलीज हो जाता है, तो वो फीचर आप इसमें दे सकते थे तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता, बट कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, फिज़िकल की जो इसका ब्लेड दिया हुआ है उसकी हेल्प से भी जो है बूट को ओपन कर सकते हैं।
सो गाइस यही कुछ था टाटा टियागो के बारे में, और आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ सवाल है टाटा टियागो को लेकर तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो गाइस अगर आप लोग फिटनेस रिलेटेड टिप्स चाहते हैं और अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप भाई का चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई का चैनल का क्या नाम है भाई खुद ही बता देंगे। एंड मेरा नाम है आदित्य शर्मा। जो चैनल का नाम है वो फिट लाइफ हैक्स है और भाई का नाम है आदित्य शर्मा, और मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर जो है इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर ये अपना कैसे खुद को फिट रखना चाहिए और क्या आपको डाइट लेनी चाहिए वो सब चीज़ें बताते हैं। सो गाइज भाई कुछ कहना भी चाहते हैं हमसे, तो चलिए जान लेते हैं। हाँ भाई, आप चाहते हैं कि ऋषभ जो है रिशविल का ओनर, प्राउड ओनर, अगर वो मेरे जैसा हो जाए, एकदम फिटनेस फ्रीक, एकदम एक अच्छी फिजिक का, तो आप इसके 1000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा आपको मेरे चैनल पर। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।